Assalamualaikum, कैसे आप सब लोग. दिस इज अजरा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर. आज मैं आपके साथ मिस मैरीना ब्लीच का रिव्यू शेयर करूंगी, किस तरह का इसका रिजल्ट है. ये मिस मैरीना ब्लीच क्रीम रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मुझे ये ब्लीच क्रीम नहीं मिली थी, इसलिए मुझे ऑनलाइन ये मंगवानी पड़ी, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी डिले हो गई. तो ये मेरे पास मिस मैरीना ब्लीच क्रीम है. कैसी है, कैसा रिजल्ट है इसका, आपके साथ मैं शेयर करूंगी. पर इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये मेरे पास मिस मैरीना एलोवेरा जेल ब्लीच है. आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और इसी कलर में आती है, यानी कि जो इसकी पैकेजिंग है ग्रीन और व्हाइट कलर में ही आती है और अंदर से भी ये ग्रीन एंड व्हाइट कलर की ही होती है. मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, आप बाहर से पहले पैकेजिंग इसकी देख ले कुछ इस तरह की है. इसमें मेंशन हुआ हुआ है हेल्प लाइटनिंग फेशियल हेयर ब्राइटनिंग स्किन टोन, यानी आपकी स्किन की टोन को ब्राइट करती है और आपके जो फेशियल हेयर है उसको अच्छी तरह से कवर कर लेती है. तो ये अच्छी तरह से कवर करती है या नहीं तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी. मिस मैरीना ब्लीच क्रीम के साथ कैप्सूल भी आते हैं, व्हाइटनिंग एजिंग कैप्सूल इसके अंदर हैं. आप देख सकते हैं इसके पैकेजिंग में भी मेंशन हुआ हुआ है और अंदर भी है, मैं आपको अंदर भी शो करवा दूंगी. इसकी पैकेजिंग में आप देख सकते हैं मेंशन हुआ हुआ है न्यू इम्प्रूव फार्मूला, यानी कि ये न्यू फार्मूला है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से व्हाइट ब्राइट करता है. इस मिस मैरीना ब्लीच क्रीम में एलोवेरा शामिल है और आप जानते हैं एलोवेरा आपकी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेस्ट और बेनिफिशियल होता है. इस साइड पे आप देख सकते हैं इसमें मिस मैरीना में चारकोल फेशियल किट है, 3D व्हाइटनिंग फेशियल किट है एंड मैनी पैडी किट है, आप देख सकते हैं, और पाउडर पैक भी है. इसमें साइट में डिटेल मेंशन हुई हुई है किस तरह से आपको यूज करना है, कितना आपको पाउडर लेना है, कितनी क्रीम लेनी है, सब मेंशन हुआ हुआ है. अब मैं अंदर से दिखा देती हूँ. ये देखें अंदर से कुछ इस तरह का है, एक बॉटल दी हुई है और एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें क्रीम है और पाउडर है. ये आप देख सकते हैं ये पाउडर है और बहुत ही माइल्ड सा है, आप देख सकते हैं. और इसके साथ ये देखें कैप्सूल भी दिए हुए हैं, वाइटनिंग कैप्सूल है और 5 दिए हुए हैं इसमें. और ये जो इसके साथ कंटेनर में है ये है ब्लीच क्रीम, यानी कि इसमें मिक्स करके आप लगाएंगे ब्लीच क्रीम. कंटेनर की पैकेजिंग आप देख सकते हैं, जो बॉक्स की पैकेजिंग थी सेम वही पैकेजिंग इसकी है, इसमें सब चीज़ें डिटेल मैंशन हुई हुई है. इस ब्लीच पे मैंशन हुआ हुआ है कि आपको अपनी आइज पर अप्लाई नहीं करना और अपनी आईब्रो पर अप्लाई नहीं करना एंड लैश को भी बचा के रखना है, यानी जब आप अगर आइज के नीचे ये ब्लीच क्रीम लगा लेते हैं तो आपकी अगर लैश टर्न होती है, नीचे की तरफ टर्न होती है तो उस पर फिर ब्लीच लग जाती है, तो आपकी लैशेस का जो कलर है वो खराब हो सकता है, इसलिए आपको आइस से बचा के यूज करना है. अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, इसमें सेफ्टी के लिए एक कैप दिया हुआ है ताकि आपकी जो क्रीम है वो इधर उधर गिरे ना. देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर है. इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम फॉर्म में है, थिक फॉर्म पे है. यह है ब्लीच पाउडर, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ये स्मॉल साइज में ही है इसकी बॉटल और ये इस तरह से क्लोज हुई हुई है, फिक्स हुई हुई है. इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से व्हाइट कलर का है कुछ इस तरह का. सकते हैं इसके साथ व्हाइटनिंग एजिंग कैप्सूल्स भी है, ये 5 कैप्सूल्स है और इसी पैक में आते हैं. ये को आप ब्लीच के मिक्सचर में डाल के यूज करेंगे, इसके यूज करने से आपकी स्किन पे एलर्जी नहीं होती, रैशेज नहीं होते और बहुत ही ब्लेंड अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से ब्लेंड हो जाती है ब्लीच के साथ साथ आपकी स्किन व्हाइट भी होती है, ब्राइट भी होती है. कैप्सूल का कलर ग्रीन और व्हाइट ही कलर का होता है और इसके अलावा ये लूज में भी मिलता है, यानी कि एक कंटेनर में मिलता है. आप देख सकते हैं ये कंटेनर कुछ इस तरह का होता है और इसमें 20 पीसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये पैक. इसमें मेंशन हुआ है कि ये कैप्सूल्स खाने के लिए यूज नहीं होते, सिर्फ आपको ब्लीच में अप्लाई करना है. इस कैप्सूल का अमेजिंग रिजल्ट है ब्लीच में अप्लाई करने के बाद, तो आप इसको अप्लाई करेंगे जब तो आपकी स्किन बहुत ही जल्दी ब्राइट हो जाती है. ब्लीच के अलावा ये कंटेनर सिंपल भी मिलता है, लेकिन इसके सिंपल के प्राइस 450 है और अगर आप ब्लीच के साथ लेंगे तो आपको वो सस्ते में पड़ती है, यानी ब्लीच के साथ आपको 5 कैप्सूल मिलते हैं. ये ब्लीच क्रीम काफ़ी अच्छी है और अफोर्डेबल भी है और इसके मार्केट में प्राइस 300 है. ये आप देख सकते हैं जो कंटेनर में कैप्सूल्स हैं ग्रीन एंड व्हाइट, तो जो बॉक्स में आए हैं वो भी ग्रीन एंड व्हाइट कलर के ही हैं, कोई चेंजिंग नहीं है. ये जो कंटेनर है इसमें देखें एक सेफ्टी बैग भी दिया हुआ है कि आपके जो कैप्सूल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी टाइम तक चलेंगे. तो मैं अप्लाई करके भी दिखाऊँगी और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. और ये जो ब्रांड है मिस मैरीना की ब्रांड, ये पाकिस्तान की ही ब्रांड है. अब ब्लीच मेथड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ब्लीच क्रीम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून मैं ब्लीच क्रीम ले रही हूँ. अब मैं ब्लीच पाउडर ले रही हूँ. ब्लीच पाउडर के लिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ब्लीच पाउडर और
क्रीम की क्वांटिटी दोनों सेम रखेंगे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो पाउडर की मिकदार थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, अपने फेस के हिसाब से लेंगे। मैं सिर्फ अपने जो फ्रंट मेरा हैंड है मैं उस पर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे नीड नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट करवाना है इसलिए मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सो मैं ब्लीच हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए क्वान्टिटी मैंने दोनों की सेम रखी है। यानी क्लीन करने के लिए इस तरह से टर्न करते जाएंगे, जब आप स्लो स्लो टर्न करेंगे तो खुद ही ओपन हो जाता है। बाद मैं कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ, ये देखें एक कैप्सूल मैं यूज़ करूँगी। मिस मैरिना के बॉक्स में जो कैप्सूल आए हैं 5 कैप्सूल्स हैं, उसमें से मैं एक कैप्सूल ले रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह का है कुछ, इसके अंदर वाइट कलर का पाउडर फॉर्म पे मिक्सचर होता है। बाद इसके अंदर जितना भी पाउडर है वो आप ब्लीच क्रीम पे डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने एक पूरा कैप्सूल लिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने ले लिया है, और अंदर से जो कैप्सूल का कलर है प्योर वाइट है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो आपने कैप्सूल डाला है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इस मिक्सचर में कैप्सूल डालने के बाद आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई एल्कन पाउडर ब्लीच में डाल दिया है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा फील होता है कि इसमें पाउडर डाला हुआ है। आप जब ब्लीच क्रीम अप्लाई करें तो ब्लीच क्रीम जितनी ले रहे हैं उतनी ही पाउडर आपको लेना है, उसके बाद उसमें कैप्सूल डालना है, फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो ही ये मेथड होगा, और अगर हैंड्स पे अप्लाई करेंगे तो भी ये मेथड होगा। इस मिक्सचर को हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखें लगाने के बाद किस तरह का बिल्कुल ही व्हाइट कलर का नजर आता है। ये देखें जैसे इसमें बहुत सारा पाउडर डाल दिया हो, क्योंकि कैप्सूल डाला होता है इसकी वजह से इस पे आ जाता है। मैं हैंड के सिर्फ ऊपर साइड पे अप्लाई कर रही हूँ, और जो मिक्सचर बच जाएगा वो दूसरे हैंड पे अप्लाई कर लूंगी, तो आपको रिजल्ट चेक करवाने के लिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। ब्लीच मिक्सचर को आप किसी भी ब्रश की हेल्प से इजीली लगा सकते हैं। ब्लीच आप लगा लें उसके 5 मिनट बाद इसी ब्रश की हेल्प से दोबारा से एक बार ब्लीच के ऊपर ही फेर दिया करें, यानी कि ब्लेंड कर दिया करें, जो आपने ब्लीच मिक्सचर लगाया है उसे दोबारा से आप ब्लेंड कर लिया करें। ब्लीच की स्मेल और ब्लीच के मुकाबले में हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, इतनी तेज नहीं है। अगर आपके हेयर गोल्डन ना हो तो दोबारा से मिक्सचर को बना के अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें, और ब्लीच को 12 से 15 मिनट्स के लिए फेस पे रखेंगे, उसके बाद रिमूव कर लेंगे, और 25 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद रिमूव कर लेंगे, जो आपके हेयर है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो क्वांटिटी ली थी उसमें मैंने दोनों साइड पे सिर्फ ऊपर के साइड पे हैंड पे अप्लाई किया है, और आप देख सकते हैं दोनों साइड पे अच्छी तरह से लग चुका है। यानी आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं अपने फेस के लिए तो आपके लिए सही रहता है। वाटर से क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वाकई में स्किन ब्राइट भी हो गई है मेरी, और जो मेरे हेयर थे वो गोल्डन भी हो गए हैं। मेरे जो हेयर हैं वो काफी सॉफ्ट हैं तो बहुत जल्दी से गोल्डन हो जाते हैं, लेकिन आपके अगर हैवी हैं ज्यादा तो आप उसको दोबारा मेथड को यूज करेंगे। रिजल्ट आपके सामने है, मेरे हैंड आप देख सकते हैं और जो मेरे हेयर है प्रॉपरली गोल्डन हो चुके हैं। आप नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, मैं वीडियो बना हूँ इसलिए मैंने इस फन से क्लीन करके आपको दिखाया, उसके बाद मैं वॉश कर लूंगी अपने हैंड। सो फ्रेंड, मिस मैरिना ब्लीच का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।